दोस्तों नाराज ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से जलते घी और रुई है, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। और मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। और बड़ी चलाक होती है जिंदगी हमारी, रोज नया कल देकर उम्र छीनती रहती है। और तेरे इस जहान में मैं किसकी कीमत ज्यादा समझूं है खुदा, तू आसमान में मिट्टी से इंसान को बनाता है और यहाँ इंसान मिट्टी से तुझे। और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तोता मिर्ची खाके भी मीठा बोलता है और इंसान इतनी महंगी चीनी खाकर भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। और अपनी जुबान से इतने मीठे शब्द बोलो कि वापस भी लेने पड़े तो खुद को कड़वे ना लगे। और जमीन अच्छी हो और खाद अच्छी हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल नहीं खिलते। वैसे ही भाव अच्छे हो और विचार भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध नहीं टिकते। और ज्यादा कुछ नहीं बदलता उम्र बढ़ने के साथ, बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। और खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पर लगाओ तो अपनी भी उंगलियां महक जाती है। और सिमटते जा रहे हैं दिल और जज्बातों के रिश्ते, सौदा करने में जो माहिर हैं बस वही कामयाब हैं। और दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। और जिंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ नजरअंदाज करके और कुछ बर्दाश्त करके। और दुनिया भी बड़ी अजीब है, मरे हुए इंसान को कांधा देना पुण्य का काम समझती है, मगर किसी जिंदा इंसान को सहारा देने से कतराती है। और पीपल के पत्तों जैसा मत बनो जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं, बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनो जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। और गुफ्तगू करते रहा कीजिए, यही इंसानी फितरत है। बंद मकानों में तो अक्सर जाले लग जाते हैं। और अपनों की कोई बात बुरी लगे तो खामोश हो जाइए, अगर वो अपने हैं तो समझ जाएंगे, और अगर ना समझे तो आप समझ लेना कि वो अपने थे ही नहीं। और केवल गुड़ होना ही पर्याप्त नहीं, स्वयं को मक्खियों से बचाना भी उतना ही जरूरी है। और बड़े अजीब है इस दुनिया में लोग, ये ऊपर वाले को तो एक मानते हैं लेकिन ऊपर वाले की एक नहीं मानते। और दोस्तों भरोसा स्टिकर जैसा होता है, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। और जो लोग समय पर पसीना नहीं बहाते वो लोग बाद में आंसू बहाते हैं। और दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूँ स्वार्थ का, एक वो ही है जिसने आज के दौर में भी लोगों को जोड़ कर रखा है। और स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन फिर भी किसी को सुकून नहीं, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि ना खुशी खरीद पाता हूँ ना ही गम बेच पाता हूँ, फिर भी मैं ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। और किसी मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसके चिल्लाने से होती है, तथा बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से होती है। और दोस्तों खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, बाद में पता चला कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, कभी किसी का अपमान मत करो और कभी किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो पर समय आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।